एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज है काफी स्पेशल डे और हम बहुत जल्दी उठ गए हैं मॉर्निंग में। इवन रात में सोए नहीं है, पूरी रात नींद ही नहीं आई है। और गेस की क्या आज होने वाला है, मतलब आज इतने हैप्पी हैं हम, हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि मम्मी आ रही है इंडिया से और अभी वो फ्लाइट में होंगी तो हम जा रहे हैं उन्हें लेने। अभी हम लोग जा रहे हैं लंदन हीथरो एयरपोर्ट पे, तो उनको वहाँ पे पिक करेंगे। और वो पहली बार आ रही हैं तो थोड़ा सा हमें भी है कि कैसे करेंगे, क्योंकि हमने भी ना लंदन एयरपोर्ट अभी तक देखा नहीं है और हमारा भी फर्स्ट टाइम देखेंगे कैसे, तो अभी हम देखते हैं कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे उनसे। और मम्मी मतलब फर्स्ट टाइम आ रही हैं अकेले, वो भी इंटरनेशनल ट्रैवल, तो इट्स एक्साइटिंग फॉर हर ऑल्सो। और उनकी जो जर्नी है इंडिया से यूके तक की, हमने उनसे भी कुछ वीडियोस शूट कराई हैं, क्लिप्स बनवाई हैं, तो मैं वो भी इसमें डालूंगी। और आप लोग उनकी जर्नी भी देखना कि बीइंग अ आई मीन फर्स्ट टाइम ट्रैवलर, वो भी इंटरनेशनल, वो कितने कभी गई नहीं है, मतलब मेट्रो में भी वो शायद ही कभी अकेले गई होंगी। और उन्होंने इतना मतलब इतने कॉन्फिडेंस से वो आ रही है और हमें भी कॉन्फिडेंस दे रही है इवन, तो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए भी। तो आप लोगों को भी शेयर करेंगे उनका जर्नी। और चलते हैं अभी, और बीच में कहीं रुकते रुकाते जाएंगे तो इसलिए हम टाइम से निकले हैं, और वहां पहुंचकर सारे मोमेंट्स कैप्चर करेंगे जो हमारे स्पेशल मोमेंट्स हैं। फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट के लिए थोड़ा मन घबराहट सी हो रही है। पहुंच चुके हैं, बस अब लाइन में लगे हैं ब्रिटिश एयर के लिए। सो अभी हम पहुंच गए हैं, आई मीन हमने कवर कर लिया अराउंड 40 मिनट्स। टोटल हमारा रूट था 2 आवर्स अप्रॉक्स का विदाउट ट्रैफिक, और हमने अराउंड 40 मिनट्स कवर करके अब हम रुके हैं मिडवे पर। और कुछ खाने का मन हो रहा था तो हमने लिया सबवे सैलड, हेल्दी, और थोड़ा सा खाएंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी हमें भी लग रहा है टाइम है तो आराम से रिलैक्स होके जाना सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी जाके वेट ही करना होगा। और अभी हमने फ़्लाइट का स्टेटस देखा है मम्मी का ऑनलाइन, तो वो अभी पहुँच चुकी हैं ऑस्ट्रिया के ऊपर है फ़्लाइट, और वहाँ से अभी टाइम दिखा रहा है कि लैंड करेगी अराउंड यहाँ के यूके के टाइमिंग के अकॉर्डिंग 3:05 पर। तो अप्रॉक्स अगर कोई डिले नहीं होता है फर्दर तो फ्लाइट अर्ली है टाइम से, तो लेट्स सी। एंड जस्ट वेटिंग टू मीट मम्मी एंड वेरी एक्साइटिंग, तो जल्दी से बस वो टाइम आए और फिर हम मिले। हेलो, मेरा सब इमिग्रेशन भी हो गया है वो, और वो सिक्योरिटी भी हो गई है, सब ओके हो गया है। अब बस अब गेट पे जा रही हूँ मैं। अब गेट पर निकल के जा रही हूँ, देखो सब यहाँ पे कितना अच्छा है, कितना अच्छा मन लग रहा है यहाँ पे, देखो कितना अच्छा मन लग रहा है, मतलब सब फाइनल हो चुका है, बाय। तो अभी हम पहुँच गए हैं हीथरो एयरपोर्ट और जस्ट 5 more minutes और जाएंगे टर्मिनल 5 पर, जो हमने देखा है टर्मिनल 5 पर है फ्लाइट। और अभी बज रहे हैं 3 और अप्रॉक्सीमेट टाइम अभी फ्लाइट का जो दिखा रहा है ऑनलाइन 3:30 के अप्रॉक्स, तो हम थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि 3:30 अगर लैंड करेगी तो मम्मी को बाहर आने में 1 आवर तो लग ही जाएगा बैगेज वगैरह कलेक्ट करने में और इमिग्रेशन कराने में। तो होपफुली 4:30 या 5 o'clock तक यहाँ के यूके टाइम के अकॉर्डिंग वो बाहर आ जाएँ। तो अब जाते हैं, थोड़ा वेट करते हैं और हम भी अपना लंच कर लेते हैं, स्नैक्स ले लिया था तो जाके पार्किंग में ही लगा के लंच करेंगे, क्योंकि मम्मी को आने में तो अभी काफ़ी टाइम है तो तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। तो लंच कर लेते हैं, फिर जब आ जाएंगे तो फिर निकलेंगे तो चलता रहेगा खाना पीना। हेलो एवरीवन, मैं फ्लाइट में बैठ चुकी हूँ, बच्चों मैं पहुँचूँगी, बस आप वहीं पर मिलोगे मुझे, बस तो मैं आती हूँ, बाय। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और अंदर भी आ गए हैं। द गुड थिंग इज यूके एयरपोर्ट जो हीथरो एयरपोर्ट है लंदन का, कि आप अंदर आ सकते हो, मतलब हमने अंदर एंट्री कर ली है। और ये देखो मेरे पीछे सारी जो है डिस्प्ले हो रही है फ्लाइट्स किस गेट पे लैंड हुई हैं, तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं देख के यहाँ से कि कितने बजे अराइव हुई है। और तो हम अपनी फ्लाइट यहाँ से ढूंढ रहे हैं नंबर और फिर और अराइवल्स पे जाते हैं। और मम्मी से फ़ोन पर बात हो गई है क्योंकि मम्मी का इंटरनेशनल रिचार्ज
हमने करा रखा था तो डायरेक्ट इजी हो गया। कॉल किया और कॉल लग गया, नेट भी चल रहा है उनका और डायरेक्ट कॉल भी लग रही है इंडिया नंबर पे। तो हम तो कहेंगे जो आ रहा है उसको ना, और उसको आइडिया नहीं है तो रिचार्ज करा के आया इंटरनेशनल। अगर किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं ऐसे और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मतलब उतना ज्यादा नहीं वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर सकते खुद से, तो ये बहुत ही मस्ट है कि ये रिचार्ज करा दो एंड इट विल बी वेरी कन्वीनियंट। जैसे कि हमारे साथ में हमें बात हो गई तो हमें सेटिस्फेक्शन मिल गया कि चलो ठीक है, और अब वो इमिग्रेशन पे जा रही हैं तो हम इतना पहुंचते हैं अराइवल्स पे। सास बहू का प्यार है भैया, चलो दोबारा मिलते हैं। तो अभी हम मिल गए हैं मम्मी को, मम्मी का पिक कर लिया एयरपोर्ट से, हम मिल लिए हैं और अभी हम निकल चुके हैं घर की साइड। तो कैसा लगा मम्मी एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से आई। बच्चों ने इतने हेल्प मेरी करी फोन पे ही वीडियो कॉल करके, और बहुत ही बेटे ने भी, बहू ने भी, और उधर से इंडिया से बेटी ने, दामाद ने बहुत अच्छे से सब कुछ वो बैठा के चले गए। यहाँ से इन्होंने बच्चों ने दे दिया, बेटी ने और बहू ने बहुत आराम से आई, वो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, और बहुत जल्दी आ गई, मतलब यहाँ पे तो टाइम ही नहीं लगा, हीथ्रो पे एक घंटे में ही बिल्कुल बाहर आ गई है। हम तो सोचे थे थोड़ा टाइम लगेगा, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अब हम निकल चुके हैं घर की साइड और देखते हैं बीच में कहीं रुके खाने पीने के लिए और फिर मिलते हैं घर जाके। बहुत अभी तो ऐसा लग रहा है मम्मी, बस नॉर्मल लग रहा है, अभी बाद में जाके पता चलेगा। अभी उस मोड से जो निकलेंगे ना, मम्मी आ गई, अभी तो सपना लग रहा है, अभी सपना लग रहा है, ऐसा हो रहा है, बस चल रहा है क्योंकि हम रात से सोए नहीं है। तो मैं उसमें हूँ थोड़ा सा, अभी ऐसा लग रहा है कि अभी जिसका वेट कर रहे थे इतने टाइम से कि वो हो भी गया, मिल भी लिया हम। वही वही वही। तो अभी हम रुके हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं और हम लेके आए थे घर से चाय मम्मी के लिए, गरम गरम। मम्मी गरम गरम तो नहीं आ, लेकिन ठीक है पीने लायक। सही है यार, हाँ। टेस्ट आ रहा है पूरा। और क्या, और हम अब चाय के साथ बिस्किट नमकीन अपने पूरे ले रहे हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे अभी हम। और अभी मम्मी का स्टॉक तो खुला नहीं है, वो घर जाके स्टॉक खुलेगा तो वो भी दिखाएंगे। और अभी हमें एक घंटा और लगेगा यहाँ से अप्रोक्स, हाँ लग जाएगा। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मम्मी को लंदन का, कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अभी घर जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बच्चों के साथ मिलके, एक साल बाद मिले बच्चे। हाँ, एक साल एक महीना, एक साल एक महीना, एक साल एक महीना, लास्ट दिसंबर में आए थे। और हम मम्मी से पूछ रहे हैं कि हमारे में कोई चेंज लग रहा है क्या, बट मम्मी को कोई चेंज नहीं लग रहा।